जालंधर लोकसभा उपचुनाव में शुक्रवार को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की एंट्री हो गई। मूसेवाला के लिए इंसाफ यात्रा शुरू की गई। उनके माता पिता बलकौर सिंह बड़ा पिंड और रुड़का कला से जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला मार्च निकालने के लिए पहुंचे। मूसेवाला के पिता ने लोगों को भावुक होते हुए कहा कि उनके होनहार बेटे शुभदीप को मारने वाले उनके घर के आसपास घूमते रहे और उन्हें पता तक नहीं चल पाया। भारी हथियार हैंड ग्रेनेड लेकर गाड़ियां 15 दिन उनके घर के आसपास घूमती रही। उन्होंने कहा कि सरकार को सब पता था। स्टेट में 2 लोगों को धमकी मिली थी जिसमें उनका बेटा भी शामिल था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पंजाब सरकार को चिट्ठी भी निकाली थी कि मूसेवाला को बहुत ज़्यादा खतरा है। बावजूद इसके उनके बेटे की सुरक्षा को कम कर दिया। इसकी सूचना भी सोशल मीडिया पर डाल दी गई। सुरक्षा कम होने का पता चलते ही दुश्मनों ने अगले ही दिन उनके बब्बर शेर जैसे बेटे की बेरहमी से गोलियां मारकर हत्या कर दी। बलकौर सिंह ने कहा कि हमारा खुशहाल परिवार था। परिवार में हम 3 ही लोग थे। चाहता तो मेरा बेटा भी विदेश में कहीं सेटल हो जाता, हम भी बादशाह वाली ज़िंदगी जी सकते थे। लेकिन उसे अपनी धरती देश से प्यार था। उसने अपने गांव को तरजीह दी। उन्होंने कहा कि पिछले 11 महीने से अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए भटक रहे हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।